इसी तरह से पूरे प्लेट्स ले लें, 1 2 3 4, इस साइड भी 4 प्लेट्स आना है आपको, इस तरह से 1 इंच गैप पर लगा करके इस तरह से। से लगा लें इसी तरह से, 4 प्लेट इस सेट एंड 4 प्लेट इस सेट, बैक में भी इसी तरह से आप लगा लें। 1 2 3 4, 3 प्लेट्स आए हैं इधर इस सेट। आप इसको देख करके अटैच करके प्लेट्स लगा सकते हैं बेल्ट के हिसाब से, इस तरह से देख लें। इस तरह से दोनों की विड्थ बराबर से रहना है तो आराम से आपको अटैच करने में आसानी होगी। बेल्ट की विड्थ 12 है तो इसकी भी 12 रहना है, इस तरह से। अब ये हम अटैच करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, ये पार्ट पर यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, इसी तरह से रखें फ्रंट साइड से। एक भी निकालते जाएं, स्टिच करते जाएं, इसी तरह से। पूरे पिंस हाथ पर भी आप हैंड स्टिचिंग करके भी बिठा ले सकते हैं, इसी तरह से। इसी तरह बैठ जाएगा, बैक साइड में भी इसी तरह से बिठा लें। इस तरह से
इस तरह से कंप्लीट होगा। इसी तरह से हमको बेल भी बिठाने का है। जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के हैं वो इसको लगाएंगे एंड बैक साइड के हैं वो इसको लगाएंगे। तो इस तरह से देख लें, ये स्टिचिंग दोनों अटैच करें सेम उसी तरह से, उस तरह से अटैच करें, राउंड स्टिचिंग मारें इस तरह से। ये दोनों और फ्रंट साइड आएगा इसी तरह, हाफ इंच माए पर स्टिचिंग करेंगे पूरी बेल्ट इसी तरह से। आप चाहे तो पिंस लगा कर भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से पूरा बिठा लें अच्छे से, स्टिचिंग करने में आसानी होगी। जब एक्स्ट्रा बेल्ट आएगा तो थोड़ा और चुन्नते वन चुन्नता एक्स्ट्रा भी आप इसी तरह से ले करके इक्वल करें। स्टिचिंग करेंगे अच्छा, हाफ इंच माया लें इस तरह से। देख लें हैं किस ओर ज़्यादा आ रहे हैं प्लेट्स, तो वही हिसाब से हमको लेना है। बैक साइड का हिस्सा ये थोड़ा सा अटैच करें, अगर प्लाट ज़्यादा हो रहा है तो आप वन प्लेट एक्स्ट्रा भी कर ले सकते हैं बैक साइड में इस तरह से देख लेकर करके इस तरह से स्टिचिंग कर लें।
ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसको तो अच्छे से फोल्ड कर लें प्लेट के लिए, इस तरह से जितनी प्लेट आएगी उतनी प्लेट ले लें। दोनों पीसेस को बराबर करें जैसे। ये साइड जो है स्टिच मारेंगे अंदर की ओर से, अच्छी तरह से आएगी। अच्छी तरह से बैठ गई, बैठ गई। बॉटम 7 दिया था ना, तो इसी हिसाब से हमको स्टिचिंग 6 पे रखेंगे। आप 5.5 पर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 6 पर रखेंगे इसी तरह से। ये सीट को मिला करके मार्क डालें, स्टिचिंग करने में आसानी होगी इस तरह से। सेम इसी तरह से इस ओर भी डालें। सिक्स टच करें।
यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टिचिंग करें। स्टिचिंग करेंगे थोड़ा सा पक्का कर लें। और भी रहेगी 6 inches रहेगा आपका दोनों सेट। इसी तरह नाड़ा बनेंगे। 2 inches पर लिया है नाड़ी के तीसरे समय। इस तरह से जॉइंट कर लें पीसेस को। स्ट्रेट स्ट्रिप से ये इस तरह से जॉइंट कर लें। डबल स्टिचिंग मारें। इस तरह से ये स्टिच तो ये स्ट्रिप को दोनों को अटैच करें। इसी तरह से फ्रंट सेट इसी तरह से कट कर लें। एक्स्ट्रा पीस टूरिस्ट तैयार हो चुके हैं। फोल्ड करें दोनों साइड इसी तरह से फोल्ड करें। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे फोल्ड करके। इस तरह ये दोनों को मिला लें। ये कॉर्नर पे स्टिचिंग आएगी आपको।
डाल करके आप बना ले सकते हैं। जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से पूरी शलवार कंप्लीट हो चुकी है। कली वाला शलवार है, फोर पैनल्स। थैंक यू। इस तरह से